शाहजहांपुर के हरैया गांव में उस वक्त अफरा तफरी का आलम हो गया जब 40 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार हो गए। इन बच्चों ने चाट के ठेले से टिक्की खाई थी। चाट खाने के आधे घंटे के बाद ही एक के बाद एक 40 बच्चे बीमार होते चले गए। बच्चों को तेज उल्टियां और चक्कर आने लगे। हालत इतनी बिगड़ गई कि कई बच्चे बेहोश हो गए। अचानक इतने बच्चों की हालत बिगड़ने पर गांव में हड़कंप मच गया। गुड़िया में एक टिक्की का ठेला लगता है, वो आलू की टिक्की वहाँ आता है, उसे वो बच्चों ने खाई है और 40 से 45 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। लोग ये बता रहे हैं कि एक टिक्की वाला बेचने आया था गांव में, तो टिक्की बेचते हुए लोगों ने खाई, सब लोगों ने बच्चों ने जितने जितने खाई उन्हें की तबीयत खराब हुई है। उसमें पता नहीं क्या था, क्या नहीं, क्या खराब था क्या नहीं था। अफरा तफरी के बाद एम्बुलेंस के जरिए सभी बच्चों को आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां बच्चों का इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों की माने तो यह फूड पॉइजनिंग का मामला है। इनमें से कई बच्चों की हालत गंभीर है। एक बच्चे को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जो ने टिक्की खाई थी गंदगी से, जो भी उनका रहा हो, और उससे जब पता किया जिसने टिक्की खिलाई थी, वो कह रहा था कि हमने जहाँ से माल लिया माल से ही गड़बड़ी। ये SDM साहब को सूचित कर दिया गया है। SDM साहब हालांकि आके देख चुके हैं, इस तरह की सामान्य है। एक बच्चे को रेफर किया गया है। सूचना के बाद SDM ने गांव में जाकर मुआयना किया और आलू की टिक्की वाले सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल एक साथ इतने बच्चों के बीमार होने से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। अमित कुमार शर्मा, शाहजहांपुर, जनमन TV।